पंचकुला के बरवाला गांव के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता जगदीश कश्यप ने अपने 45 साल के लंबे राजनीतिक सफर के बाद भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। जगदीश कश्यप ने अपने परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पिता प्रेमचंद आर्य और दादा दयाल प्रसाद आर्य जनसंघ के कट्टर समर्थक थे, जिन्होंने कभी भी किसी अन्य पार्टी को वोट नहीं दिया। उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए जगदीश कश्यप ने भी संघ का दामन थामा और 1982 में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मेरे भी अंदर एक जिज्ञासा आई भी जो ये भारतीय जनता पार्टी बनी है तो इसकी सदस्यता लेनी चाहिए। जैसे मेरी मातर 14 साल की एज थी, मैंने 77 में जनता पार्टी चुनाव लड़ी और आपातकाल लग रहा था, जैसे दादाजी बात करते थे ये ऐसे है ये ऐसे है ऐसे, उसकी प्रेरणा से मैंने 77 के अंदर नारे लगाए जनता पार्टी के। सरकार गठित हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, हमें इसके बारे में कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और मैं 1982 से पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य बन गया। 1982 के अंदर 84 में जब इलेक्शन हुए तो हमने पार्टी में जो भी जिम्मेदारी छोटी मोटी लगाई, झंडे बैनर डंडे या जो भी नारे मारने, हमने वो काम किया। फिर उसके बाद नियंत्रण आगे बढ़ते चले गए, फिर हम 87 के इलेक्शन में विधानसभा के में आ गए तो डॉक्टर मंगल सैन जी हमारे अध्यक्ष होते थे, उनके नेतृत्व में देवीलाल के साथ समझौता हुआ और हमने हरियाणा में सरकार बनाई। तो हमने काम किया, फिर हमारे पास छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ आई, जैसे ब्लॉक का महामंत्री मैं युवा मोर्चे का बना। फिर आगे बढ़ते चले 92 के अंदर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने जो राष्ट्रीय जो एक यात्रा निकाली है उसके अंदर बहुत ही बढ़ चढ़ के सहयोग लिया। फिर उसके बाद अडवाणी जी ने एक यात्रा जो निकाली उसके अंदर बहुत सहयोग और बहुत हमने उसका साथ दिया पार्टी को ऊंचाइयां पर ले जाने के लिए। फिर हमारा बंसीलाल जी के साथ समझौता हो गया और हमने सरकार बनाई 1996 के अंदर। तो हमने बहुत बढ़ चढ़ के और खुशी से काम किया। बीच बीच में हमारी जमानतें, हमारे जो कैंडिडेट खड़े होते थे उनकी जमानतें भी जब्त हुई, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी है। हमने ये कहा भी एक दिन हम जरूर यानी भारत के अंदर यानी केंद्र के अंदर एक बहुत बढ़िया यानी सफल मैंडेट के साथ हम सरकार बनाएंगे। तो हमें वाजपेयी जी आए, आगे नियंत्रण हमारे पास जो भी संगठन ने जिम्मेदारी दी हम उसको नियंत्रण लिया। उसके अंदर राम मंदिर का मुद्दा भी आया और राम मंदिर के मुद्दे के अंदर हमने ब्लॉक स्तर के ऊपर जो हमारी ड्यूटी लगी भी शिला पूजन करना है, हमने प्रत्येक गांव के अंदर 5 शिलाओं का हर एक गांव के अंदर पूजन करवाया, उनका परांदे बांध के और फिर वो अयोध्या जी को हमने ईंटें भेजी। फिर पत्थर तैरने का दिखाया गया समंदर के अंदर कैसे अभी जैसे हिंदू को जागृत करें हम। फिर हमने पत्थर भी वहाँ पे अपने ब्लॉक स्तर के ऊपर सारे ब्लॉक में घुमाए, सिर्फ 4 लोग होते थे। फिर उसके बाद हमारे पास कूपन का आया 100 रुपये का, तो इतना पैसा इकट्ठा करा हमने ब्लॉक के अंदर। जब कोई मान ले पार्टी को बीजेपी को यानी बिठाने वाला भी कोई है नहीं था उस टाइम, हमने कभी भी ये नहीं कहा भी हमने सत्ता का लालच कराया या सत्ता उड़ी जाएंगे। तो हमने राम मंदिर के ऊपर मुद्दा किया है जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर डोडा के अंदर जब पंडितों का 18 का नरसंहार हुआ तो वहाँ पर भी हमारे ड्यूटी लगी, तो हमने धरना प्रदर्शन वहाँ पे भी किया, विरोध किया। मैंने बलखंड में वहाँ पे बहुत गलत तरह के नारे वहाँ के सरकार के खिलाफ मारे, मुझे रोका भी गया, मैं रुकया नहीं वहाँ पे। हमारा बहुत स्वागत हुआ, हमें बड़ा उत्साह थे भी हमें एक दिन केंद्र में भी हरियाणा सरकार आ गई। मैं जगदीश कुमार कश्यप।